प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने ही मुकाबला किया है बीजेपी का। आज इन्हीं इसी गठबंधन की वजह से बीजेपी रुक रही है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो जितने भी डराने वाली संस्थाएं थी, ये सब सीखा होगा बीजेपी ने कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस यही काम करती थी। और मैं तो आपसे उदाहरण देना चाहता हूं, एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने पीआईएल नेताजी पर और हम पे किया था, वही व्यक्ति नॉमिनेशन करा रहा था कांग्रेस के प्रत्याशी को लखनऊ में। जो गठबंधन है उसे एक बी टीम ऑफ द कांग्रेस आपके बारे में कहा जाता है, तो आप मानेंगे इसको? मैं तो केवल इतना कहूंगा आपके से कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी। पर अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ये आप अब कह रहे हैं, जब प्रियंका गांधी जो है वो सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जहां पर कांग्रेस वीक है वहां पर जो है हम एक डमी कैंडिडेट, मतलब कि फायदा गठबंधन को ऐसे कैंडिडेट को रख रहे हैं, मतलब ये उनका कहना। मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूं। आप विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे कांग्रेस? मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूं कि कोई भी कांग्रेस ने कैंडिडेट ऐसा दिया हो जो वीक दिया हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कैंडिडेट नहीं देती है। सर आपके आज जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए ये बहाना ढूंढा जा रहा है कि हमने वीक कैंडिडेट दिया है। आपके कोई नेशनल एम्बिशन?